नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद भदरा है और आज मैं सुरक्षा के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले एक बात है कि सेफ्टी क्या होती है, हमें सुरक्षा क्यों प्यारी है और क्यों जरूरत है सुरक्षा के बारे में। उसके बाद सेफ्टी का डेफिनेशन देखेंगे हम लोग, सेफ्टी का डेफिनेशन देखेंगे, सेफ्टी क्या होता है और हमें क्यों उस चीज का जरूरत है। दूसरी बात, एक्सीडेंट को किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसके ऊपर, और एक्सीडेंट होने के कारण क्या होते हैं, अनसेफ एक्ट है, अनसेफ कंडीशन से, इंसिडेंट से, एक्सीडेंट्स क्या डेफिनेशन है, नियरमिस क्या है, उस चीज के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सेफ्टी। सेफ्टी यानी क्या है, व्हाट इज सेफ्टी। सेफ्टी मींस अ बीइंग अ फ्रीडम फ्रॉम हजार्ड्स। इससे हमें हजार से आजादी चाहिए, फ्रीडम मींस स्वतंत्र, फ्रीडम। तो हमें किस चीज से चाहिए, बीइंग अ फ्रीडम फ्रॉम हजार्ड्स और रिस्क। हम जहां पर भी काम करते हैं उस काम की आप जो भी खतरे है उस खतरों से हमें आजादी चाहिए, इसके लिए हम बोलते हैं सेफ्टी। तो ये कब होगा, जब हम सुरक्षा के नियम को हम अपनाएंगे तब हम बोल सकते हैं कि हम सेफ में काम करते हैं या हम सेफ्टी को फॉलो करते हैं। तो अदरवाइज हम तो वो चीज सुरक्षा के नियम को नहीं हम अपनाएंगे तो हम नहीं बोल सकते कि हम सुरक्षित है या हम सुरक्षा को अपना रहे। तो सेफ्टी मीन्स बीइंग अ फ्रीडम फ्रॉम हजार्ड्स। सेकेंड थिंग, सबसे पहले हम चीज को ध्यान रखेंगे कि हजार्ड्स क्या होता है। सेफ्टी में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो पहली बात है वो हजार्ड्स। यहाँ पर दो चीजें आपको दिखाई दे रही है, सबसे पहले तो हजार्ड से, सेकंड थिंग रिस्क से, बराबर। और यहाँ कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो क्या है, हजार्ड्स और रिस्क। हम जहां पर भी वर्क प्लेस में जहां पर भी काम करते हैं तो वो दो चीजें हमें दिखाई देती है। तो सबसे पहले के हजार्ड्स के ऊपर हम बात करेंगे। हजार्ड्स मींस क्या, तो हजार्ड्स मींस बीइंग, सॉरी, हजार्ड्स मींस सोर्स ऑफ सिचुएशन, बराबर। हजार्ड्स मींस सोर्स ऑफ सिचुएशन इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन इंजरी एंड डैमेज टू द पर्सनल प्रॉपर्टी एंड एनवायरमेंट। ऐसी की एक चीज है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसी कोई वस्तु है तो जिससे हमें कुछ इंजरी हो सकती है या हमारे पर्सनल प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, इवन हमारे पर्यावरण को दूषित कर सकता है। ये चीज को हम हजार्ड्स बोल सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल केबल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, कोई मशीन को गाड़ी नहीं है, ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट हो हम उसको हजार्ड्स बोलते हैं। और जो रिस्क है, जिसका होने वाला इम्पैक्ट, बराबर, मतलब कोई हजार से होने वाली आपको इंजुरीज और उसका होने वाला इम्पैक्ट मीन्स रिस्क, द लाइफ हुड दैट द हजार्ड विल कॉज द हार्म। तो उस हजार से होने वाला नुकसान उसको जिसको हम बोलते हैं रिस्क, बराबर। तो देखो हजार्ड्स और रिस्क ये दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हजार्ड्स को देखते हैं कि हजार्ड्स मतलब क्या है। आपकी इंडस्ट्री में देखा जाएगा, इंडस्ट्री में हो, वर्कप्लेस में हो या कहीं पर भी हो, बराबर, तो डिफरेंट टाइप्स के हमें हजार्ड्स दिखाई देते हैं। हम इंडस्ट्री की बात करते हैं मोस्ट ऑफ दी, तो इंडस्ट्री के अंदर हमें फर्स्ट जो है फिजिकल हजार्ड दिखाई देते हैं, बराबर। फिजिकल हजार्ड से रिपीटेड स्ट्रेन इंजरीज है, केमिकल हजार्ड से, कॉन्टेक्ट विद द एसिड्स और अल्कोहल्स और केमिकल्स, कोई भी ऐसी बहुत सारी चीजें हम उसके भी हजार हमें दिखाई देते हैं। सेकंड थिंग, मेडिकल हजार से, मेडिकल हजार में कॉन्टेक्ट हो विद द मशीनरीज, बीइंग स्टक ऑफ द ऑब्जेक्ट और पार्ट द मशीनरीज, इलेक्ट्रिकल शॉक है, इलेक्ट्रिकल हजार से, बराबर, फायर हजार से। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे हजार से कि वो इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबल से, इलेक्ट्रिकल शॉक सर्किट है, स्लिप एंड ट्रिप से, फॉल हजार से, केमिकल हजार से, बहुत सारे हजार हमें इंडस्ट्री के अंदर दिखाई देते हैं। उसमें से कुछ फ्यू एग्जांपल्स है, तो फर्स्ट एग्जांपल जो है क्या, रोटेटिंग मशीन विद नो गार्ड। ऐसी कोई मशीन से, कोई भी ऐसी मशीन हो, घूमती है, रोटेट होती है, सेल्फ मोटेड होती है, उस चीज को गार्ड नहीं है, इसका मतलब वो है हजार से, और उसमें हमारा हैंड जा सकता है या हमारे क्लोज जा सकती है या पर्सनल इंजरी हो सकती है उसके कारण, वो रोटेटिंग पार्ट एक हमारा भी हजार से। सेकंड थिंग जो है, लॉयन आउट ऑफ हिज केस, मतलब कोई जो लॉयन है वो पिंजरे के बाहर है, बराबर, कोई भी क्या है हमारे लिए हजार से, बराबर। सेकंड थिंग, एंड ओपन ट्रेंच विथ नो बैरियर, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है, कंस्ट्रक्शन एरिया होते हैं, वहां पर जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रहा है तो वहां पर जो भी ओपन ट्रेंच होते हैं वो भी हमारे लिए हजार से। अब उसकी जो रिस्क के एग्जाम्पल्स है, हम जो तीन एग्जाम्पल देखिए उसके रिस्क एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल्स है उसमें क्या कहते हैं, व्हाट इज द रिस्क ऑफ द मशीन विथ नो गार्ड। तो क्या है, हमारी पर्सनल इंजरी हो सकती है, बराबर, कोई मशीन तो गार्ड नहीं है और उसके ऊपर हम काम करते हैं तो काम करते समय हमारा हैंड इंजरी हो सकती है, हमारा हाथ उसके अंदर जा सकता है, तो ये है उसकी रिस्क। तो रिस्क क्या है, हजार की रिस्क क्या है, पर्सनल इंजरी। सेकंड, व्हाट इज द रिस्क ऑफ लॉयन आउट ऑफ हिज केस, मतलब लॉयन पिंजरे के बाहर है तो क्या हो सकती है, इंजरी और किल द पीपल्स, बराबर। सेकंड थिंग, व्हाट इज द रिस्क ऑफ ओपन ट्रेंच, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एरिया है, वहां पर कोई ओपन ट्रेंच है, वहां पर आदमी गिर सकता है, पीपल्स गिर सकते हैं, व्हीकल्स, एनिमल्स कुड फॉल इन द एंड गेट इंजर्ड टू द डैमेज, मतलब कोई इंजरी हो सकती है और फेटल केस भी उस चीज के अंदर, बहुत सारी चीजें ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट में उस चीज में अंदर हुई है। तो ये चीज हमने देखा है। अभी जो देखने वाले वो इंसिडेंट, व्हाट इज मीन बाय इंसिडेंट, बराबर, इंसिडेंट देखने वाले हैं। इंसिडेंट क्या होता है, सबसे पहले
जो लिफ्टिंग किया हुआ है उस सीलिंग का जो एक पार्ट वहां पर डैमेज है जिसको बोलते हैं अनसेफ कंडीशन। तो कोई भी दुर्घटना होने से पहले, कोई भी एक्सीडेंट में करोड़ होने से पहले, सबसे पहले वो जो है कि अनसेफ कंडीशन में करोड़ हो जाता है। सबसे पहली बात तो अनसेफ कंडीशन इस फीचर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो जॉब उठाया गया है उस जॉब की जो सीलिंग डैमेज हुआ है मतलब क्या है वो अनसेफ एक्ट है। सेकंड क्या है अनसेफ कंडीशन पहला और सेकंड है अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट मतलब असुरक्षित कार्य करना बराबर। तो ये दो बंदे है, ये पहले देखा है कि जॉब उठाया गया है सीलिंग डैमेज है और दो बंदे क्या हो रहे हैं उसके नीचे से जा रहे बराबर मतलब सस्पेंडेड रोड के नीचे से जा रहे। तो ये क्या कर रहे हैं अनसेफ एक्ट, उसके नीचे से जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए। तो ये दो बंदे गए उसकी जॉब के नीचे मतलब सस्पेंडेड रोड ऊपर है वो सस्पेंडेड रोड के नीचे से वो लोग जा रहे हैं मतलब उन्होंने क्या किया है अनसेफ एक्ट किया है मतलब दुर्घटना को बुलाया दिया उन लोगों ने। सबसे पहले क्या अनसेफ एक्ट, तो अनसेफ एक्ट इसको कहा जाता है कि जो भी नियम का उल्लंघन करता है उसको आप अनसेफ एक्ट कहा जाता है। सेकंड थिंग है नियर मिस, नियर मिस का डेफिनेशन देखा जाएगा तो नियर मिस क्या होता है दुर्घटना होती है बराबर दुर्घटना होती है लेकिन उसमें कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होती है। देखो ये बंदे का मतलब एक्सीडेंट होते होते बचना जिसको हम बोलते हैं नियर मिस। ये दो बंदे जा रहे हैं उसके सामने सडनली कोई जॉब सामने गिरा है उनके सर के ऊपर नहीं गिरा तो उसको हम क्या बोलते हैं नियर मिस। ऐसी कोई भी दुर्घटना होती है इस दुर्घटना को हम रिपोर्ट करना है और रिपोर्ट करके उसके ऊपर क्यों ये चीज हुआ है क्योंकि वो सीलिंग क्रैक थी पहले से तो हमने वो अनसेफ एक्ट के पर या अनसेफ कंडीशन पे हम उसको रोकते थे तो हमारे पास नियर मिस नहीं होता है। तो ये चीज के ऊपर हमें फोकस करना है। लास्ट में जो है सीलिंग क्रैक थी और लास्ट में जो बंदे थे उस बंदे के ऊपर वो जॉब गिरा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ है ये एक्सीडेंट। तो कैसा करण हुआ है सबसे पहले आंसर कंडीशन हुआ है आंसर बैक हुआ है उसके बाद नियर मिस हुआ और एक्सीडेंट। तो नियर मिस जो है सबसे पहले एन एक्सीडेंट व्हिच रिजल्ट इनटू द इंजरी और इलनेस डैमेज टू द पीपल और असेट द एनवायरनमेंट बराबर। तो जो भी नियर मिसेस आपके वर्क प्लेस पे होते हैं वो नियर मिसेस आपको इमीडिएट रिपोर्ट करने हैं क्योंकि भविष्य में या फ्यूचर में कोई भी दुर्घटना हो सकती है उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। इस फीचर ध्यान से देखो इस बंदे के सामने जॉब गिरा हुआ है एक नियर मिसेस यहाँ पर एक ऑयल है ऑयल से उसका पेयर स्लिप हो गया है वो एक ऑप्शन वहां पर गिरा हुआ है। तो ये क्या है सर बहुत सारे नियर मिसेस है। हम एक्सीडेंट का डेफिनेशन देखते हैं एक्सीडेंट इज अनप्लानड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट व्हिच मे कॉज द पर्सनल इंजरी और डैमेज टू द पीपल और एनवायरनमेंट। और जो एक्सीडेंट्स है एक्सीडेंट के अंदर एनवायरनमेंट एक्सीडेंट भी हो सकता है पर्सनल प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है परमानेंट डिसेबलमेंट भी हो सकता है आपकी डेथ भी हो सकती है मतलब फेटलिटी भी हो सकती है बराबर। तो ये हो गया एक्सीडेंट। एक्सीडेंट ऐसा है कोई अरे भाई कल 10 बजे एक्सीडेंट होने वाला हूँ कल 1 बजे एक्सीडेंट होने वाला ऐसा कुछ है क्या नहीं है। इट इज अनप्लानड क्या है अनप्लानड। कुछ फ्यू एग्जाम्पल भी मैंने आपको लिए अनसेफ एक्ट के बराबर वो भी देखते हैं। कुछ जो मेन मुख्य कारण जो होते हैं दुर्घटना होने के बराबर तो मैं आज के डेट में लगता है ये दो ही कारण हमें मुख्य कारण दिखाई देते हैं कि दुर्घटना होने की। तो सबसे पहला जो आज और सुरक्षित कार्य करना मतलब अनसेफ एक्ट जो हम खुद होकर एक्ट करते हैं बराबर ना मतलब अनसेफ एक्ट का डेट देखा जाए तो हम अनसेफ एक्ट मतलब खुद होकर परफॉर्म करते हैं उस चीज को जिसको बोलते हैं अनसेफ एक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल डिफेक्टिव टूल्स यूज करना पीपीई का इस्तेमाल ना करना नियमों का पालन ना करना विदाउट परमिशन गाड़ी को चलाना जहां पर आपको जाने का परमिशन नहीं उस एरिया में जाने आप लोगों ने जाना ऐसे एरिया में जिसको बोलते हैं हम असुरक्षित कार्य करना बराबर। मैं अरे मुझे कुछ नहीं होता है मतलब 10 साल से 20 साल से काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री के अंदर मुझे कुछ नहीं हुआ अभी तक और आज क्या मेरे साथ दुर्घटना होगी। ओवर कॉन्फिडेंस और सेफ्टी में कहा जाता है हॉर्स प्ले मजाकबाजी करना ये बहुत सारे एग्जाम्पल जो आते हैं असुरक्षित कार्य के अंदर आते हैं जिसको बोलते हैं अनसेफ एक्ट। और सेकंड थिंग है असुरक्षित परिस्थिति मतलब अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन में काम करना मतलब फिजिकल कंडीशन ही आपकी प्रॉपर नहीं है जहां पर आप काम कर रहे हैं उस लोकेशन पे फिजिकल कंडीशन प्रॉपर नहीं है जिसको बोलते हैं अनसेफ कंडीशन। उसके जगह एग्जांपल देखा है कि पूरा हाउसकीपिंग है आपकी जहां पर आप काम करें कोई मशीन को गार्ड नहीं है उसको में ऐसे ही काम कर रहे हो तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उसके पैनल जो ऊपर इंसुलेशन नहीं है और तो ऐसी कंडीशन में काम करना मतलब वो है अनसेफ कंडीशंस बराबर। तो वो चीजें हम लोगों ने अभी क्या देखा है अनसेफ एक्ट देखा है अनसेफ कंडीशन देखा है
बराबर सेफ्टी का डेफिनेशन देखा है, नियमित किस तरीके से होते हैं उस ये चीज हमने देखा है बराबर। तो इस टॉपिक को हम अभी खत्म करेंगे, कुछ आपके डाउट्स हैं तो हम वो क्लियर करेंगे, ठीक है।